जिस स्पीड से जोमेटो का स्टॉक ऊपर गया था उसी स्पीड से जोमेटो का स्टॉक नीचे भी आ रहा है। अब काफ़ी क्वेश्चन में निकल के आ रहे हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पे। मैंने कल भी कहा था आपको, कल शाम को वीडियो अपलोड हुआ था उसमें कहा था मार्केट में गिरावट जारी रहेगी, अभी कोई उम्मीद लगा मत बेटा आपने बैठना कि यार मेरे रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। अब काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उसका भी जवाब देंगे हम। अब बात करें फिर टारगेट की, देखो अगर मार्केट में गिरावट होती है इस वीक में तो 250 240 के बीच का सपोर्ट बन रहा है कंपनी में, यहाँ आके दोस्तों ब्रेक कर सकती है कंपनी, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 मंथ 3 मंथ कंपनी ने 240 और 250 के बीच निकाले थे। जब से अपर सर्किट लगाए पिछले मंथ सितंबर में ही अपर सर्किट लगाए कंपनी में, और दोस्तों 2 4 5 दिन में कंपनी ने 300 रुपये के आसपास कंपनी जाके रुकी है यहाँ पे, फिर गिरावट हुई है। लेकिन इस बार गिरावट की मैं कहूँगा आपको मार्केट की गिरावट है, ये गिरावट कंपनी की गिरावट नहीं है, मार्केट की है गिरावट, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर गिरावट होती है ना तो 300 प्लस जाएगा स्टॉक, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर रेगुलर गिरावट होगी कंपनी में तो हो सकता है कि 240 रुपये के आसपास टप सपोर्ट कंपनी बना सकती है। लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद लगा नहीं मत बैठना आपकी, यार मेरे को रिटर्न मिलेगा यहाँ पे, कोई उम्मीद नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई भी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट कब अपसाइड मूव करेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक एड है तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कंपनी को आप भूल जाओ 1 साल 2 साल के लिए, काफ़ी टारगेट बड़ा आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।